गुड़ का दारू बनता है उसमें करता है, एक्सपायरी टैबलेट नींद वाला दे देता है, इसको अंदाज नहीं कितना देना चाहिए दे देता है, जो बर्दाश्त नहीं करवाते हैं वो अभी जो किया है, ये कहने का मतलब ये सेल्फोस नहीं होता है, उसको गुड़ गुड़ के दसीमज दे रहा है। बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद पूरे देश में बिहार की चर्चा है। ऐसे में जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल सामने आए और कैमरे पर ही समझाने लगे कि आखिर कैसे बनती है जहरीली शराब और जहरीली शराब पीने से आखिर कैसे लोगों की मौत हो रही है। बयान सुनिए। कल भी बिहार में दो जिलों में दारू पी के कई लोगों की मौत हुई है। अरे हमारे हाउसिंग कॉलोनी अथी में जो थी पॉलिटेक्निक कॉलेज का है ना फील्ड, हुआ उसमें दारू पी के एक आदमी मर गया, एक आगे मर गया दारू पीने वाला, वो तो मरते रहेगा, जहरीला दारू पीता है, गरीब आदमी ही मरता है, गरीब आदमी क्या करता है महुआ पीता है, हमारे मुसहरे में दारू बनता है और दारू में यही गुड़ का दारू बनता है उसमें करता है एक्सपायरी टैबलेट नींद वाला दे देता है, इसको अंदाज नहीं कितना देना चाहिए दे देता है, जो बर्दाश्त नहीं करवाते हैं वो अभी जो किया है, ये कहने का मतलब ये सेल्फोस नहीं होता है, उसको गुड़ गुड़ के दसीमज दे रहा है, उसी से मर रहा है। अच्छा, युवा पीढ़ा भी इसका शिकार कंटिन्यू हो रहा है सर? युवा भी इसके युवा तो बगदा हुआ है, बिहार का नहीं कह सकते हैं लेकिन भागलपुर जिला का बगदा हुआ है, ये कहता है सरकार ने दारू बंद किया तब, वो लोग तो दारू पीवे नहीं करता था, बंद क्या करता, गरीब आदमी कहीं दारू पीता है, गरीब आदमी सब बनाते हैं पीते हैं, बाग स्मैक भी पीना शुरू कर दिया, जो जो नशीला पदार्थ है वो सब देना शुरू कर दिया। गोपाल मंडल यही नहीं रुके, इसके बाद गोपाल मंडल ने ये भी बता दिया कि शराबियों को सुधारा कैसे जाए। युवा पीढ़ी को सुधारने के लिए सरकार को कुछ देखिए, सुधारने के लिए नहीं, गार्जियन का माता पिता की मना देता है नहीं, ये कमेटी बनाएगी सुधारने के लिए, पकड़ेगा उसको, पकड़ के एक घर निर्धारित करेंगे उसमें बंद करेंगे। इसके अलावा पुलिस प्रशासन की नाकामी भी गोपाल मंडल उजागर करने लगे। पुलिस तो सजग है लेकिन थानेदार जितने है ना वो दारू बनाने वाले से मिला हुआ है तो मिलने के कारण उसका मनोबल बढ़ा हुआ है, कौन एक चौकीदार जानता है कहाँ गलत हो रहा है, थाना प्रभारी को पता है किसके घर में क्या खाना बना है, वो पकड़ ही सकते हैं, लेकिन मोटी रकम मिलता है महीनों में, अरे 25,000-30,000 रुपये, कानूनी कार्रवाई होगा, कानूनी कर बयान दे दिए जिस पर सरकार कानूनी कार्रवाई, हम क्या करें, ये दिखाई पड़ेगा मुख्यमंत्री को जो बयान दे रहा है, ये दिखाई पड़ेगा डीजीपी को, हम कहते हैं जिला तुरंत सुधरेगा, ब्लॉक क्यों बिगड़ा हुआ, अगर डीएम ठीक हो जाए, डीएम ने कंट्रोल करे, कहीं घुसखोरी अभी जो मुआवजा वाला चल रहा है तो उस पर पैसा लेके सीओ सब पास कर, अब उसको मुखिया सब क्या करेगा, जो वोट नहीं दिया उसको देवे नहीं करता, सूची में नाम नहीं देता है, बाढ़ में बहुत धांधली हुआ है, बाढ़ वाला राशि में बहुत धांधली हुआ है, हुआ है। हम तो बोलते रहते हैं, इसमें दो मत नहीं है। गोपाल मंडल के इस बयान पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।